जय श्री कृष्णा दोस्तों, अपना देश चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में अक्षय तृतीया का दिन बेहद खास माना गया है। मान्यता है कि इस दिन घर में श्री यंत्र लाने से और उसकी स्थापना करने से, पूजा करने से घर में धन धान्य की बढ़ोतरी होती है और साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों में अक्षय तृतीया का विशेष महत्व है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों की माने तो अक्षय तृतीया के दिन अभूझ मुहूर्त होता है, यानी कि किसी भी शुभ कार्य के लिए आपको मुहूर्त देखने की कोई आवश्यकता नहीं होती। कहते हैं कि इस दिन कुछ खास चीज़ों की दोस्तों खरीदारी करने से अक्षय पुण्यफल की प्राप्ति होती है। वैसे तो इस दिन सोना खरीदना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन दोस्तों सोने के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें इस दिन लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि आप बहुत पैसा खर्च करेंगे तभी समृद्धि घर में आएगी। आप अक्षय तृतीया के दिन, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो अपने घर में तुलसी का पौधा ज़रूर से लेकर आएँ। और दोस्तों, अगर आपके घर में श्रीयंत्र नहीं है तो अक्षय तृतीया के दिन आप अपने घर में श्रीयंत्र जरूर से लाएं। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दोस्तों, इस दिन श्रीयंत्र की स्थापना और पूजा से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। अगर आप भी किसी प्रकार की आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं, बिजनेस में कोई लॉसेस हो रहे हैं या कहीं भी धन को लेकर परेशानी है, पैसों को लेकर कोई चिंता है, तो अक्षय तृतीया के दिन श्रीयंत्र की विधिवत पूजा करें। अगर आपके घर में श्रीयंत्र है तो आपने अक्षय तृतीया के दिन इसकी विशेष पूजा करनी है। अब जान लेते हैं कि पूजा आपने कैसे करनी है। दोस्तों, वैसे तो ज्योतिष के अनुसार श्रीयंत्र जो है या तो घर के मंदिर में स्थापित किया जाता है या तिजोरी में या अपनी कोई बिजनेस प्लेस पे स्थापित किया जाता है। लेकिन अक्षय तृतीया के दिन घर के मंदिर में आपने श्रीयंत्र को स्थापित करना है और नियमित रूप से उसकी पूजा करनी है। साथ ही दोस्तों, इस दिन आपने एक चौकी पर श्रीयंत्र को स्थापित करना है और स्थापित करने के लिए आपने एक चौकी लेनी है, उस पर लाल या गुलाबी रंग का कपड़ा बिछाना है। श्रीयंत्र को स्थापित करके गंगा जल से आपने उसमें शुद्धि करना है और उसके बाद में पंचोपचार पूजा करनी है, यानी कि आपने अक्षत, गंध, धूप, दीप, पुष्प इत्यादि अर्पित करनी है। और पूरी अच्छी तरह से पूजा करने के बाद में आपने घी का दीपक जलाना है, जिसे आपने श्रीयंत्र के दाहिनी तरफ यानी कि नॉर्थ ईस्ट साइड में रखना है। फिर माँ लक्ष्मी की आपने पूजा करनी है। साथ ही इस दिन आपने माँ लक्ष्मी के फेवरेट जो भोग हैं, जैसे कि खीर हुआ, बताशे की खीर हुई या बताशे हुए या बर्फी हुई, सफ़ेद चीज़ों का आपने भोग लगाना है। और इसके साथ ही एक बहुत ज़रूरी काम जो है वो आपने करना है, वो है दोस्तों आपने महालक्ष्मी मंत्र का जाप करना है। उसको आपने बिल्कुल ध्यान से करना है। तो जान लेते हैं माँ लक्ष्मी मंत्र के बारे में। ओम श्रीम रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। तो दोस्तों, इस मंत्र को आपने कम से कम 108 बार कमल गट्टे की माला से जाप करना है। और दोस्तों, ऐसा करने से बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। इन मंत्रों की जाप से सुख समृद्धि में अपार वृद्धि होती है, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, श्रीयंत्र की पूजा करने के बाद माँ लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश जी की आपने आरती कर लेनी है और पूजा के दौरान जलाए गए दीपक को आपने पूरे घर में घुमा के लाना है। और उसके बाद में जब पूजा सम्पन्न हो जाए, उसके बाद में आपने श्रीयंत्र को अगर आपने तिजोरी में स्थापित करना है तो वहाँ पर रख दें, और अगर मंदिर में स्थापित करना है तो सही तरीके से आपने उसे मंदिर में स्थापित कर दें और नियम से आपने श्रीयंत्र की पूजा करनी है। और दोस्तों, हर दीपावली, धनतेरस और त्रयोदशी के दिन, अक्षय तृतीया के दिन आपने जो है इस श्रीयंत्र की विधिवत पूजा करनी चाहिए और माँ लक्ष्मी के मंत्रों से जाप करना चाहिए, जिससे ये श्रीयंत्र जो है वो सिद्ध हो जाता है और अपना काम करने लगता है। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इसे आप शेयर जरूर से कर लीजिएगा। साथ ही माँ लक्ष्मी के सच्चे भक्त है तो कमेंट में ज़रूर से लिखिएगा जय माँ लक्ष्मी।